अंकल जी, अंकल जी साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं अच्छा, प्रॉब्लम भाई, इसने साइकिल ने धोखा तो नहीं दिया कहीं पे? नहीं, धोखा तो दिया, थी बनाने बना लेता हूं। तो खुद बना लिया, मतलब सामान वगैरह खुद डाला हुआ सब कुछ है ना? मोटा मोटी सब। तो मतलब की रात को उधर ले लद्दाख में तो बहुत कम होटल है। हाँ, तो कुछ जगह में रास्ता मिस हो गया। अच्छा, रास्ते में ही? हाँ, रात वहीं पे पहाड़ का बीच में। डर नहीं लगा आपको रात को? पूछ लेता है अगल बगल में आदमी निकाल के खाली पूछ लेता है। जानवर है? अच्छा, अगर जानवर नहीं रहेगा तो हमारा कुछ डर नहीं। तब बहुत बढ़िया है। बाकी बाकी खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया सच में? नहीं तो आगे खा लिया, खा लिया चाय को? खाना चाय पियेंगे आगे, यानी चाय थोड़ी लगेगी। नहीं चाय चाय तगड़ा ट्रिप है भाई, लेह लद्दाख। तो बताओ फिर कैसा रहा आपका ऊपर लेह लद्दाख का ट्रिप? लेह लद्दाख तो बहुत अच्छा रहा, फिर भी हम शुरू किया 1 जनवरी से 21। तो पहला कोलकाता से स्टार्ट किया, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह लद्दाख। अच्छा, मतलब कि और कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके और स्टेट में? किस टाइप के, मतलब कि कोई गुंडेगर्दी वाले लोग तो नहीं मिले? बदतमीजी की मिले? कहाँ पे? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान। अच्छा, आप बताते हैं कि वीडियो में बताया था आपने राजस्थान की साइकिल चोर रहे थे अबू रोड में। अच्छा, साइकिल चोरी कर रहे थे? साइकिल छीनने का कोशिश किया था। वो इलाका गरीबी इलाका है ना, काम काज कुछ है नहीं। अच्छा, वही सब करता है। अच्छा, साइकिल छीन रहे थे आपकी? साइकिल बोल के नहीं, मान लो बाइक वाला वहाँ रोक गया, उसको किस द्वारा फंसा के जो कुछ है सब छीन लिया। अच्छा, आबू रोड में। तो क्या नाम बताया? आबू रोड। आबू रोड, आबू रोड, राजस्थान। राजस्थान। और तब तो मतलब कि फिर क्या हुआ आपके साथ? तो हमको पकड़ने का कोशिश किया, हम तो साइकिल में रनिंग में था, वो लोग पैदल था। अच्छा, हम समझ जब दिया तो हम स्पीड बढ़ा दिया। अच्छा, फिर वो लोग आया नहीं? फिर नहीं आया? नहीं आया। यार, ऐसे ऐसे लोग ऐसे बदतमीजी ना करें। अगर आप कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी बदतमीजी किसी भी इंसान के साथ ना करें, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन हर इंसान की अलग होती है और हर इंसान अमीर नहीं होता। और आप ये चीज़ें करते हो तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता भाई, ऐसी चीज़ें ना करें। जल्दी करें, जल्दी इनको थोड़ी। इंसान की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ठीक है, और बाकी और बताओ आप। शादी शुदी नहीं की आपने? की है। तो बीवी बच्चे? कोलकाता। कोलकाता में? तो फिर होता है? होता है, बात होती है। तो उन्होंने नहीं बोला कि पापा आप इस एज में कहाँ जा रहे हो? अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना। सही बोला आपने, अपने लिए टाइम, खुद के लिए टाइम मेरा बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या मतलब कि कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का, एक लड़की। अच्छा, एक लड़का, एक लड़की। क्या करते हैं वो? लड़का भी थर्ड ईयर में पढ़ता है। थर्ड ईयर में? लड़की। लड़की? लड़का पढ़ता नहीं है। लड़का नहीं पड़ता? मैं दुकान में काम करता, हमारा दुकान। अच्छा, खुद का दुकान? अपना दुकान। किस चीज़ का दुकान है? प्रोफेसर कुकर मिक्सी गैस। अच्छा अच्छा, रिपेयरिंग। अच्छा, रिपेयरिंग। हाँ सर, बहुत बढ़िया है। बाकी और वाइफ, हाउस वाइफ है? नहीं, वही दुकान में। अच्छा, दुकान में काम? वही दुकान में, हमारा ही दुकान। अच्छा, खुद का दुकान, उसमें अलग बिजनेस। अच्छा, उसमें अलग है। अच्छा, तब तो बढ़िया है। बाकी और बताओ। नहीं, बढ़िया नहीं, हम लोग छोटा मोटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई इंसान छोटा मोटा नहीं। आप पूरे इंडिया में ट्रिप मार के गए, मानना पड़ेगा आपको। लोग तरसते हैं दूसरी स्टेट देखने के लिए। मैं रियलिटी बताऊं आपको ना, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास ना वो एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। यार, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसा है वैसा भाई। और आप दीपू भाई को अपना पूरे वो लाओ प्लीज, इंडिया का ट्रिप मार। दीपू भाई बहुत बड़ी बात है, ये अपना सोच है उनको। हाँ। जो मैंने बोला है, मतलब मेरा नाम भी दीपू ही है। अच्छा। जो मैंने मंगवाया वो लाना। आपने तो मतलब कि साइकिल पे आपने लोगों की आंखें खोल दी कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोगों के लिए अब मोटिवेशन बन चुके हो कि साइकिल पे पूरे इंडिया का ट्रिप मारना मतलब कि आसान चीज़ नहीं है। ये लोग गाड़ी बाइक हो के भी मतलब इंडिया का पूरे अपनी लाइफ में ट्रिप नहीं मार पाते, सीरियसली। और आप तो साइकिल पे
अल्टीमेट, मतलब कि सैल्यूट है आपको। बाकी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो रहे हो, आपको पता है? हमको करता है हा? हम नहीं है। अच्छा, फेमस नहीं है। हमको फेमस करवा दिया गया। अच्छा, करवा दिया गया। सबसे पहला वीडियो कहाँ पे बना आपका? वो तो उड़ीसा में बना। अच्छा, उड़ीसा में। तो उतना वायरल हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम। अच्छा, सबसे पहले उड़ीसा में बना। तो आपको पता नहीं, आप मतलब कि सिंपल फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल? हम एक यूज़ करते हैं, इसमें से सब फॉर्मेट हम जानता नहीं है। अच्छा, फोन करना जानता है, फोन पकड़ना। आपने देखी अभी तक अपनी वीडियो कोई? हाँ हाँ देखी। हाँ हाँ, तो काफ़ी मतलब कि फेमस हो चुके हो आप, शायद नहीं आपका नाम। हम वीडियो देखते हैं ना, तो वही वीडियो देखते हैं। हाँ हम ऐसा उधर बोलता है या वही दिखा रहा है, मगर उसमें कितना आदमी का इंटरेस्ट है, कितना आदमी क्या बोलता है, सब्सक्राइब किया है क्या, घंटी बजाया, वो जो वो मतलब हम इस। अच्छा, आप बोलो उधर पढ़ना, सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। हाँ, सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। लाइक भी करो और शेयर भी करो। लाइक भी करो, शेयर भी करो। अच्छा, हमारा क्या है? देखो भाई, अगर हमसे तुम्हारा काम बने तो क्या बुराई है? बुराई कोई नहीं। हाँ, वही किसी इंसान से किसी की हेल्प होना तो कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। अगर तुमसे हमारा भी काम निकल जाए तो क्या बुराई? कोई बुराई नहीं। लेकिन आज की डेट में मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, लोग एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते। आप मतलब कि इतने साधारण इंसान है आप, नहीं तो कुछ लोगों में ना होता ना थोड़ा एटीट्यूड होता है। वीडियो वायरल करेगा? हाँ, एक बात बोलता है। देखो, जो होता है ना, तो हम कुल्लू बस स्टैंड में रुका। हाँ, एक मोची। हाँ, कुल्लू का बगल में। हाँ, बैठो 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 अंकल बैठो। हमको ऐसा किया जैसे अपना लड़का जैसा। अच्छा, तो हम सोच लिया हम पहले साइकिल देखो, हम टॉयलेट करके आए। हाँ, टॉयलेट किया आया। अब बोलो क्या हुआ? सब उसको बताया। हाँ, बताने के बाद उसका जो परिस्थिति है उधर का इनकम, तो हम सोचा उसको ये बात बोला लास्ट टाइम में, हमारा लड़का जब 8-10 साल का हो जाएगा, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, कम से कम हमारा पास भेज दो। हमारा 2 नंबर दिया उसको। हाँ, हमारा पास भेज दो। तुम्हारे लड़का को 10 साल होगा तो 11 साल में उसको हम स्टार्ट करके छोड़ देगा। हाँ, ठीक है, ताकि वो यहाँ आके कमाए या कलकत्ता कमाए। हाँ, मर्जी कमाए। हाँ, मगर तुम्हारे लड़का के बारे में सोच लो। एक मोची को हमें इससे बोल दिया। सही, बहुत सही। और उसका घर का खाना वही खा के आया। अच्छा, घर नहीं, जब उससे बात होगी ना, तो बोला चाहते आप कहीं मत जाइए, यहाँ रहिएगा, हम घर से रोटी बना के जाए। अच्छा, रोटी और भिंडी। हमारा हमारा सोच अलग है। वो अगर 10 साल में उसका लड़के को भेजेगा ना, 11 साल, 1 साल टाइम लेगा। हमारे अंदर जितना एक्सपीरियंस है सब उसमें डाल देगा। वो 12 साल का अंदर में वो एक्सपर्ट बन जाएगा, अपना कमाने लग जाएगा, फिर उसका खुशियाली खुशियाली। वो लड़का को बोला। हाँ, अब वही बात है ना, आपकी तरह सोच हर इंसान की नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मतलब कि आज की डेट में जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा है वो आज की डेट में घमंड आ जाता है। घमंड घमंड। अभी जो बात बोला ना। हाँ, ये बात भी रिकॉर्ड करो। हाँ, तो हम हर टाइम बोलता है, हे भगवान हमको पैसा मत दो, हमको दिमाग दो। दिमाग दो। और पैसा सबको दे दो। एक बार फिर से कहो आप ये लाइनें। हे भगवान हमको पैसा मत दो, हमको और दिमाग दो। सही बोला, सही। पैसा बाकी को बांट दो ताकि उसका नींद हराम हो जाए। मतलब दिल खुश कर दिया और बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उसका पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा तो नींद भी नहीं आएगी, कंफ्यूज रहेगा। हाँ, दवा खाने से भी टेंशन में दवा क्रॉस हो जाएगा। सही सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, मतलब कि दिल में लगी ये बात कि आपने 100 मतलब कि टके की एक बात बोली आपने, इतनी पावर थी इस बात में। सही बोला, क्योंकि आज की डेट में जिस इंसान के पास कम पैसा है ना, वो खुश रहता है और अच्छे से रहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। और जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा है उसको टेंशन ज़्यादा है ना, उसको नींद आती है, तो कंफ्यूज रहता है। पैसा तो है, जो गरीब है वो कम से कम वो क्या सोचता है, तो आधा कुछ हुआ तो सो जाओ, सो जाओ शांति से, वो सोता है, सोता है। और नींद जो पैसा हुआ है ना, वो नींद सो नहीं पाता। सेम सेम। सही बोला जी आपने, तो वैसा ही होता है। भगवान सबके साथ करता है, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा नहीं। भगवान सबको देखता है। हाँ, ये गलत बात है। जो बोलता है गरीब को नहीं देखता है, अमीर को देखता है, नहीं। भगवान जो जिस हिसाब से आया है उसी हिसाब से इसका औकात बना दिया, उसी हिसाब से रहो। उसी अगर हम चाहेगा अंबानी की तरह या जिंदल की तरह, मित्तल की तरह, तो हमारा औकात नहीं है। उस तरह का सोच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मगर हम एक बार नहीं छोड़ेगा जिंदल मित्तल से, अंबानी जो भी हो।
आपके पास करोड़ रुपया है तो मेरे पास 100 रुपया। आप बोलिएगा ये क्या मतलब है, आपका 10 करोड़ है उसमें से 100 रुपया निकल दीजिए तो 10 करोड़ कैसे बनेगा हमको? तो मेरे पास 100 रुपया है ना, ये बोला मैंने सही बात बोली। सोच क्या है हमारा, सोच क्या है मोटर के मतलब स्टार्ट है, तुम्हारे पास 10 करोड़ है, मेरे पास 100 रुपया, 10 करोड़ का मालिक मैं, 100 रुपया का मालिक जाना। अगर तुम हिसाब लगाना चाहता हो तो 10 करोड़ से 100 रुपये निकाल दो, उसको 10 करोड़ पूरा करके दिखा दो। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। तो 100 रुपया तो हमारे पास है ना, तो है उसके पास 10 करोड़ नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत सही बात बोली आपने, तो आयरन ये भी शेयर करना क्या जी, जरूर हम शेयर करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी और आपकी पूरी सेवा करें रास्ते में, क्योंकि लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इस साइड में को कुछ लोग जानते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो प्लीज। चाय हो गया, बस चला है चाय, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। अभी कहीं किसी मोड पर दोबारा मिलेंगे, एक तो तो रहो यहीं पे हमारे घर, चलो आगे मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, ठीक है अंगली, ओके बाय बाय। ओके गाइस, और ये था आज का हमारा ब्लॉग, बहुत ही ज़बरदस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चलेंगे, ठीक है अंगली, बाय बाय बाय, ओके।